Hi everyone, welcome back to my channel, Miss Sonam Vlogs, and it's me, Sonam. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, safe होंगे. तो आज आप सोच रहे होंगे हम आज फिर कहाँ निकले हैं travel के लिए, right? So हम निकले हैं क्योंकि आज है सावन का fourth सोमवार, last सोमवार. हमने ये decide किया कि हम जो last वाला होगा हम उसमें पक्का कहीं बाहर जाएंगे मंदिर वंदिर घूमने के लिए. सो आज हम निकले हैं इतने दिनों बाद घर से, एंड आज हम जा रहे हैं मंदिर द लीनिंग टेम्पल. अगर जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा द लीनिंग टेम्पल. और ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो इंडिया में एक ही टेम्पल है लीनिंग टेम्पल, वो भी स्थित है उड़ीसा में. और जो भी उड़ीसा वासी है उनको पता होगा कि ये मंदिर कहाँ पे है, राइट? सो अगर किसी को भी पता नहीं है सो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये लीनिंग टेम्पल बेसिकली कहाँ पे है. सो ये मंदिर का नाम है हुमा धुमा, एंड ये वो जगह का नाम है. अभी रास्ते में ही हूँ, सो मैं आपको मंदिर पहुँच के मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगी. सो अभी यहाँ से वो टेम्पल करीबन 22 किलोमीटर्स हैं यहाँ से. अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुआ था, एंड अभी निकलते वक्त इतनी गर्मी, यू कैन सी माई फेस, सो बी विथ मी. एंड अभी मैं रास्ते में हूँ, सो आप नज़ारे देखते रहो. अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, एंड मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला साइड वाला एंट्रेंस है, लेकिन ये गांव के रास्ते से, तो ये गांव वालों के लिए. गाइस ये वो मंदिर है, यू कैन सी. थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, मैं अभी साइड तरफ हूँ तो उतना पता नहीं चल रहा होगा. देखो और इस तरफ वो महानदी है पूरा. यहाँ का मान्यता ये है कि आपका जो फिश है ना आप उसको काट के खा नहीं सकते, ये भगवान का मछली है. एंड ये वो कुछ मार्केट्स हैं. तो अभी मंदिर जाने से पहले हम आए हुए हैं यहाँ पर पांव धोने के लिए. सो अभी पांव धो रहे हैं, पांव धोने के बाद फिर हम मंदिर जाएंगे. सामने नाव है यहाँ पर, और इस नाव से उस तरफ भी जाते हैं. सामने की तरफ जो मंदिर है देखो आप, ये थोड़ा सा लीन्ड है, टिंटेड है लेफ्ट साइड में. सो इसीलिए इसे लीनिंग टेम्पल बोला जाता है. तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर हम अपना चप्पल और सैंडल रखेंगे, और फिर यहाँ से हम जाएंगे अभी मंदिर. तो अभी हम एंटर हो चुके हैं मंदिर में. आओ दिखाते हैं, आओ 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 दिखाते हैं मंदिर. ये सारे जो हैं छोटे छोटे मंदिर हैं. और हम अभी जो आए हैं वो पीछे की तरफ से आए थे, आगे की तरफ से नहीं आए. तो ये है वो एंट्रेंस. सो मेनली सभी यहीं से आते हैं. अभी हम मंदिर कहाँ गए सर? अभी हम मेन टेंपल के अंदर जा रहे हैं. Thank you.
कैमरा जो है वो अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर, इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं करा पाए। जो है बाहर से, आप बाहर ही से देख लो जो भी हम दिखा सकते हैं। ये मंदिर का नाम है बाबा बिमलेश्वर, मीनिंग टेम्पल हुमा। 1545-1560 आज मम्मी ब्लॉगिंग करेगी। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग हुमा धुमा का मंदिर दर्शन कर रहे हैं। अभी अभी हम जा रहे हैं मानेश्वर। फ्रेंड्स ये देखो, देयर इज अ बेबी शीप, देयर सो क्यूट। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं मानेश्वर एंड अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर, और हमारा कार वहां पे पार्क हो रहा है। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है अभी, और हम एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 6:15, और ये सही टाइम है क्योंकि भीड़ अभी नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ जितना था वो सब ख़त्म हो चुका है। तो मानेश्वर में आप कछुआ भी देख सकते हो यहाँ पर, तो वहाँ पर एक है कछुआ है बट अपना सिर्फ गर्दन निकाले हुए। अभी जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये पहले था नहीं, ये ब्रिज नया बनाया गया है। काफी अंधेरा हो गया अभी। चांद तो क्या खूबसूरत दिख रहा है। लाइट चले इधर को डिस्प्ले दिए जल्दी 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 तो वाला पानी पूछ दियो। यार अभी हम एक कछुआ देखे, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा कछुआ था, बट क्या करें, नीचे जो है पानी अभी और क्लियर नहीं है, अंधेरा हो चुका है तो कुछ नहीं दिखा सकते। तो मानेश्वर में कछुआ और धमा में मछली जरूर देखो। अभी ये जो मानेश्वर का मंदिर है उसका एक
राउंड हम मारेंगे, कुछ चक्कर मारेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। हम मानेश्वर आए, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ ये हो गया कि अंधेरा हो गया, हम लेट में पहुँचे यहाँ पे। सो हम बस वो कछुआ तो हमने देखा, बट मैंने ठीक से नहीं देखा, जो देखा भैया ने देखा। भैया ने बोला इतना बड़ा कछुआ है, बट आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है। मैंने ऑनली उसके पीछे से थोड़ा सा देखा, बट मुझे पता नहीं चला कितना बड़ा है। जो भी है, मज़ा आया यहाँ पे आके। एंड अभी आप देख सकते हो रात भी हो चुका है, अभी हम यहाँ से डायरेक्ट घर जाने वाले हैं। भूख तो मुझे बहुत ज़ोर से लगी हुई है। अभी हम सारे रास्ते में जाते हैं, कोई होटल में रुक के खाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप सभी को मेरे तरफ से एंड मेरी फैमिली की ओर से हैप्पी सावन। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।